नागपुर साइबर पुलिस ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाताधारकों को जागरूक और सावधान करने के लिए एक संदेश जारी किया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से साइबर अपराधियों द्वारा यूनियन बैंक के ग्राहकों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर धोखाधड़ी की जा रही है। पुलिस ने इस मैसेज को क्लिक नहीं करने का आह्वान नागरिकों से किया है। साथ ही अगर किसी के साथ इस तरह की धोखाधड़ी हुई है तो तुरंत यूनियन बैंक के टोल फ्री नंबर या फिर साइबर के टोल फ्री नंबर पर संपर्क करने का आह्वान पुलिस ने किया है। नागपुर साइबर पुलिस ने नागरिकों को खासकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाते धारकों को जागरूक और सावधानी बरतने के लिए एक विशेष संदेश जारी किया है। दरअसल शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाते धारकों द्वारा साइबर पुलिस और बैंक की मुख्य शाखा में कई खातेधारकों द्वारा बैंक के लोगों का इस्तेमाल कर मैसेज भेजकर धोखाधड़ी किए जाने की शिकायतें मिल रही थी। दरअसल साइबर अपराधी मोबाइल फोन एक ऐप फाइल भेजकर एक मैसेज भेज रहे हैं और जैसे ही इस मैसेज को क्लिक किया जाता है प्रोफाइल अपने आप मोबाइल फोन में डाउनलोड हो जाती है और मोबाइल फोन में मौजूद सारी महत्वपूर्ण जानकारी साइबर अपराधी के पास चली जाती है, जिसका इस्तेमाल कर साइबर अपराधी धोखाधड़ी इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। साइबर पुलिस ने ऐसे किसी भी मैसेज के मोबाइल फोन पर आने पर उसे क्लिक नहीं करने का आह्वान किया है। साथ ही संबंधित बैंक की ब्रांच या फिर साइबर पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज करने के लिए भी कहा है। इस तरह की किसी भी धोखाधड़ी के शिकार हुए लोग तुरंत साइबर के हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हेल्पलाइन नंबर 1800208 2244 पर भी अपनी शिकायतें दे सकते हैं। हालांकि एंड्रॉयड मोबाइल फोन में इस साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए एक सेटिंग कर इस धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। सर, साइबर पुलिस ने नागरिकांना जागरूक करण्यासाठी एक मैसेज पाठवला आहे, जागरूक करण्यासाठी मोहीम सुरू केली आहे, नेमकं काय माहिती आहे, काय पूरी घटना आहे, का सांगू? कालच साइबर पुलिसने नागपूर शहराकडून एक अलर्ट प्रेस नोट आम्ही जारी केलेली आहे, त्यामध्ये युनियन बँकेचा लोगो वापरून काही मेसेजेस युनियन बँकेच्या कस्टमर्सला येत आहेत आणि ते मेसेज ओपन केल्याबरोबरच एक APK फाईल मोबाईलमध्ये डाउनलोड होत आहे आणि फोनचा ॲक्सेस जे सायबर गुन्हेगार आहेत त्यांच्याकडे जात आहे। अशा प्रकारच्या 3 कंप्लेंट्स आमच्याकडे सध्या नोंद झालेल्या आहेत ह्या कालच्या 2 दिवसांमध्ये आणि त्यामध्ये फोनचा ॲक्सेस जाऊन ॲप्लिकेशन जे आहेत युनियन बँकेचे त्याच्या थ्रू ॲक्सेस गेल्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान झालेलं आहे, आर्थिक फसवणूक झालेली आहे। अशा प्रकारचे आम्ही गुन्हे दाखल केलेले आहेत त्यामध्ये आणि त्यातून मला यातून नागपूरच्या नागरिकांना आवाहन करायचं आहे की विशेषतः युनियन बँकेचे जे कस्टमर्स आहेत त्यांना आवाहन करायचं आहे की सध्या आपल्या मोबाईलवर जे मेसेजेस येत आहेत ते कोणतेही मेसेज युनियन बँकेचा लोगो असलेले आपण ओपन करू नयेत आणि त्याबाबत बँकेत जाऊन खात्री करावी आणि युनियन बँकेने सुद्धा याबाबत अलर्ट कस्टमरला दिलेला आहे। तरी मी नागरिकांना आवाहन करतोय विशेषतः युनियन बँकेच्या कस्टमर्सला की आपण याबाबत जागरूक राहावं, जागरूक राहाल तर सावधान राहाल तरच याच्यातून आपण मार्ग काढू शकतो। बरोबर, यामध्ये युनियन बँकेचा कस्टमर केअर आम्ही प्रेस नोटमध्ये टाकलेला आहे, त्याच्यावर तुम्ही याबाबत रिपोर्ट करू शकता। तसंच जर खरंच आर्थिक फसवणूक झालेली असेल तर आपण तात्काळ 1930 कंप्लेंट द्या, ही एक हेल्पलाईन कंप्लेंट नंबर आहे 1930, किंवा तात्काळ जवळच्या पोलीस स्टेशनला तुम्ही पोहोचा, त्याच्यावर तात्काळ आपल्याला कारवाई करून ह्या आर्थिक फसवणूक थांबवण्यासाठी प्रयत्न करतात। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपूर।